हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। फ्रेंड्स, मैं आपको क्लास ट्वेल्थ की इकोनॉमिक्स का फुल कोर्स कराऊंगा हिंदी में। अगर आप क्लास ट्वेल्थ की इकोनॉमिक्स का फुल कोर्स करना चाहते हैं हिंदी में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि आपके लिए जो मैं रोज़ाना इकोनॉमिक्स की जो वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, उसकी नोटिफिकेशन आपको जो है सबसे पहले मिल जाए फ्रेंड्स। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में या किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसको जो है सेव कर लीजिए। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में या किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, आप मुझे फ्रीली मेरे व्हाट्सएप पे उसकी पिक भेज सकते हैं, तो मैं उस पर बता दूंगा आपको कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा। VST में, SMST में, किसी में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है। इससे प्रीवियस वीडियो में फ्रेंड्स, मैंने आपको जो कराया था वो कराया था आय और रोजगार के निर्धारण में। मैंने आपको बताया था चैप्टर जो है तीन जगह डिवाइड हुआ है, समग्र मांग व इसके घटक, अल्पकालीन संतुलन उत्पादन और न्यून मांग और अधिमांग की समस्या। तो उसमें जो मैं आपको कराया था समग्र मांग और उसके घटक, उस पर मैंने ऑलरेडी आपके लिए 3 to 4 वीडियो पहले ही बना दी है। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मेरी वो वीडियो ज़रूर देखिए। उसके लिए लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से मेरी वो वीडियो देख सकते हैं फ्रेंड्स। आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ, इसका जो दूसरा पार्ट है, अल्पकालीन संतुलन उत्पादन, ये जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है इसके अंदर से। इसमें से जो है एग्ज़ाम में आना ही आना है। मैं सबसे पहले जो है आपको 10 क्वेश्चन बताऊंगा, जो इस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं 10 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप कॉपी लेके नहीं बैठे हो तो आप कॉपी लेके बैठ जाइए, जो जो मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा वो आप लिख लीजिए। इसमें से जो क्वेश्चन आने हैं वही क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आपके आए हुए हैं, और इसके अलावा कोई भी बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा इस चैप्टर में से। जैसे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है, बताइए कि अर्थव्यवस्था में संतुलन वहीं पर क्यों होता है जहां AS इज इक्वल टू AD होता है। AS कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई कह सकते हो, और AD जो है एग्रीगेट डिमांड। कह रहा है अर्थव्यवस्था में संतुलन वहीं पर क्यों होता है जहां पे समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर हो जाती है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो ये लिख सकते हैं आप। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है प्रत्याशित बचत और प्रत्याशित निवेश का अर्थ बताइए, ये दूसरा क्वेश्चन है। और तीसरा है आपका यथार्थ बचत और यथार्थ निवेश का अर्थ बताइए। ये दोनों जो है बेसिकली ये आपको एक ही साथ समझ में आएंगे, ये क्वेश्चन मैं आपको एक ही साथ कराऊंगा, तभी आपको प्रत्याशित बचत और यथार्थ बचत इन दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा, प्रत्याशित निवेश और यथार्थ निवेश तभी आपको इसमें जो है डिफरेंस समझ आएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको एक ही साथ कराऊंगा, इसका मीनिंग आ जाता है एग्ज़ाम में कभी कभार, ठीक है ना। तो ये सेकेंड क्वेश्चन है और ये थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस चैप्टर पे से जो आपका क्वेश्चन आना है वो या तो फोर्थ क्वेश्चन आना है या फिफ्थ क्वेश्चन, ये तो कंपलसरी है फिक्स एग्ज़ाम के अंदर। फोर्थ क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, कह रहा है संतुलन की वापसी जब समग्र पूर्ति और समग्र मांग में विचलन होता है और रेखा चित्र का प्रयोग करना है। हमें इसमें बताना है, हमें ये पता है कि भाई अर्थव्यवस्था के अंदर संतुलन कहाँ पर स्थापित होता है, अर्थव्यवस्था के अंदर संतुलन वहाँ पर स्थापित होता है जहाँ पे समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर हो जाती है। तो हमें बताना है कि अगर समग्र मांग कम है समग्र पूर्ति से, या समग्र मांग ज़्यादा है समग्र पूर्ति से, इन दोनों कंडीशन पे दोबारा वापसी संतुलन कैसे स्थापित होगा, समग्र मांग समग्र पूर्ति के कैसे बराबर आएगी अगर ये दोनों सिचुएशन हुई। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। सेम ऐसे ही जैसे आप ये कह सकते हो अर्थव्यवस्था में संतुलन या तो AS इज इक्वल टू AD पर होता है या S इज इक्वल टू I पर होता है अर्थव्यवस्था में संतुलन। तो दूसरा क्वेश्चन इसका अपोजिट ये बनता है कि भाई अगर S ग्रेटर देन I है या S लेस देन I है तो संतुलन कैसे स्थापित होगा। पूरा प्रोसेस हमें बताना है कि संतुलन की वापसी कैसे होगी अगर समग्र बचत और निवेश में जो है विचलन होता है, और डायग्राम भी बनाना है, दोनों में डायग्राम बनाना है। फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन इन दोनों में से जो है एक क्वेश्चन आना है आपका इस चैप्टर में से। ये भी फिक्स क्वेश्चन है आपका और ये भी फिक्स्ड क्वेश्चन है, 6 marks का क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है ना। बाकी के ये जो दो थे ये इसका मीनिंग आ सकता है 1 marks में, और ये भी आ सकता है। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन आएगा बेसिकली इसके अंदर आपका, तो ये लिख सकते हैं आप। 6th क्वेश्चन जो है वो है आपका, कह रहा है निवेश गुणक क्या है, इसकी क्रियाविधि एक संख्यात्मक उदाहरण की सहायता से बताइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट
फिक्स क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, 6 मार्क्स का आता है ये, कि निवेश गुणक क्या होता है, इसकी क्रियाविधि एक संख्यात्मक उदाहरण से बताइए। उसके बाद ये 3 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन, कह रहा है निवेश गुणक 7 8 9, तीनों ही जो है 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, कह रहा है निवेश गुणक और MPC के बीच में संबंध बताइए। तो 3 पॉइंट्स तो इसमें आपको लिखने पड़ेंगे, निवेश गुणक तथा MPS के बीच में संबंध बताइए, ये भी आ सकता है आपका। यह कह रहा है निवेश गुणक का मूल्य शून्य और अनंत के बीच में होता है, बताइए। और 10th क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स, एक क्वेश्चन इसमें से न्यूमेरिकल एक भी, और कभी कभार तो किस्मत अच्छी हुई आपकी तो 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके इसमें न्यूमेरिकल्स में। तो ये जो तीनों क्वेश्चन है, ये जो तीनों क्वेश्चन है इसमें से आपका एक ही क्वेश्चन आना है, ठीक है ना, या तो 7 आएगा या 8 आएगा या 9 आएगा। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आपके, निवेश गुणक या MPC के बीच में संबंध, निवेश गुणक या MPS के साथ संबंध, या निवेश गुणक का मूल्य शून्य और अनंत के बीच होता है, बताइए। ये तीनों में से कोई एक ही क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, और न्यूमेरिकल एक आएगा ही आएगा 6 मार्क्स का। तो ये 10 क्वेश्चन है इस चैप्टर में से जो आपके आ सकते हैं, मैंने वो सारे क्वेश्चन जो है इसके अंदर कवर कर लिए हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इसमें इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो, घुमा फिरा कर वो यही बात पूछेगा आपसे, बस आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन जो है कौन सा है, ठीक है ना। अभी मैं आपको जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अभी हम जो डिस्कस करेंगे बेसिकली, वो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1st, क्वेश्चन नंबर 2nd, क्वेश्चन नंबर 3rd और क्वेश्चन नंबर 4th। इस वीडियो में आपको जो है केवल 4 क्वेश्चनों पे हम डिस्कस करेंगे, बाकी के क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में आपको बता दूंगा तो वीडियो जो है थोड़ी बड़ी हो जाएगी, जिसमें आप फिर देखोगे भी नहीं, फिर आपको आलस आ जाएगा देखने में। इसलिए 4 4 या 5 5 क्वेश्चन मैं आपको 1 बाय 1 अच्छे से समझाऊँगा, जिससे आपको पूरा क्वेश्चन जो है सारे डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएँ, किस चैप्टर के अंदर है क्या, किस क्वेश्चन का आपको क्या आंसर लिखना है। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि अर्थव्यवस्था में संतुलन वहीं पर क्यों होता है जहाँ पे समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर हो जाती है। देखो, इकोनॉमिक्स में कुछ भी चीज़ हो, भले ही वो व्यष्टि की बात चल रही हो, भले ही वो समष्टि की बात चल रही हो, संतुलन कहाँ पर स्थापित होता है आप देखोगे भाई, संतुलन कहाँ पर, जहाँ पर जैसे आपने मैंने आपको वो पढ़ाया था, जैसे व्यष्टि के अंदर संतुलन कीमत का निर्धारण, संतुलन कहाँ पर निर्धारित होता है इकोनॉमिक्स के अंदर, संतुलन वहीं पर निर्धारित होता है जहाँ पर मांग और पूर्ति आपस में बराबर होते हैं, वहीं पर संतुलन का निर्धारण होता है। तो सेम ऐसे इसके अंदर भी है कि भाई अर्थव्यवस्था में संतुलन कहाँ पर स्थापित होगा, अर्थव्यवस्था के अंदर संतुलन वहाँ पर स्थापित होता है जहाँ पर समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर हो जाती है। तो मैं ये इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि यहीं पर क्यों होता है, अगर समग्र मांग ज़्यादा होती है समग्र पूर्ति से, या समग्र मांग कम होती है समग्र पूर्ति से, तो क्या होगा, तो वो बताना है इसके अंदर हमें बेसिकली, अगर ज़्यादा हुआ या कम हुआ, लेस देन हुआ और मोर देन हुआ तो क्या हो सकता है। देखो, जैसे आप पहले वाले में ये लिख सकते हो, क्या कह रहा है ये, कह रहा है क्योंकि ऐसी अवस्था में अर्थव्यवस्था में नियोजित उत्पादन नियोजित खरीद के बराबर होता है, जब AD इज इक्वल टू AS होता है, जब समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होती है, तो जितनी हम प्रोडक्शन करते हैं उतनी क्या हो जाती है, नियोजित खरीद के बराबर हो जाती है, जितना हम प्रोडक्शन करते हैं उतनी उस खरीद के बराबर होती है। तो उत्पादकों को, देखो अब इस चीज़ में क्या होगा, उत्पाद क्या कह रहा है, उत्पादकों को 2 हानि से बच जाता है वो, किस किस हानि से बच जाता है, वो कह रहा है अवांछित पूर्ति का भार, अवांछित पूर्ति का भार मतलब कह रहा है जो बिना बिके स्टॉक रह जाता है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई एग्रीगेट सप्लाई जो है वो ज़्यादा है एग्रीगेट डिमांड से, इसका मतलब बेसिकली ये हो गया, सप्लाई ज़्यादा है मांग से, समग्र मांग जो है वो कम है समग्र पूर्ति से, तो मतलब क्या हुआ भाई, प्रोड्यूसर ने जो है प्रोडक्ट बना रखे हैं और इतने बना रखे हैं, स्टॉक है पूरा भरा पड़ा है, बट मांग नहीं है उसकी, पूर्ति ज़्यादा है बट मांग नहीं है, तो उससे क्या होगा, अब भाई प्रोडक्ट तो यूँ ही रखे रह जाएंगे उत्पादक के, क्योंकि मांग ही नहीं है डिमांड ही नहीं है, पैसा लग चुका है प्रोडक्ट बन चुके हैं बट खरीदने के लिए कस्टमर नहीं है, तो अब उससे क्या होगा, उत्पादक को लॉस होगा क्योंकि प्रोडक्ट बने हुए उसको कोई परचेस करने वाला नहीं है, उसके पास स्टॉक जमा हो रहा है, तो इस चीज़ का उसको लॉस होगा। और दूसरा क्या होता है, या तो ये हो सकता है, या कह रहा है ना पूरी हुई मांग के कारण क्षति, मतलब स्टॉक का अभाव, दूसरी कंडीशन इसकी अपोजिट है, वो है AS लेस देन 80, यहाँ पे मांग ज़्यादा है पूर्ति कम है, या तो उत्पादक क्या करता है,
उत्पादक ने इस कंडीशन पे क्या करा, दूसरी वाली पे उसने प्रोडक्ट ही नहीं बनाए, इतने प्रोडक्ट नहीं बनाए, जितने बनाए थे वो सब बिक चुके हैं। और अब क्या हुआ, अब अगर उपभोक्ता आ रहा है उसके पास खरीदने के लिए तो उसके पास प्रोडक्ट ही नहीं है और वो जो वो उसकी डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने जितने प्रोडक्ट बनाए थे वो सारे के सारे प्रोडक्ट उसके बिक चुके हैं, अब उसके पास बिल्कुल भी प्रोडक्ट नहीं है। कस्टमर आ रहा है उसके पास और वो सबको मना कर रहा है कि मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है, तो उसको कहते हैं कि बिना पूरी की गई मांग के कारण जो लॉस हो रहा है उसको। अगर उसके पास प्रोडक्ट होते तो वो बेच सकता था, बट अभी उसके पास नहीं है तो वो क्या कर रहा है, बिना पूरी की गई मांग की हानि उठा रहा है। इस वाली कंडीशन पे उसके पास प्रोडक्ट जो है वो नहीं है, कस्टमर आ रहा है और वापसी जा रहा है, तो बिना पूरी की गई मांग की हानि उठा रहा है। और इस वाली कंडीशन पे क्या हो रहा है, उसने प्रोडक्ट बना रखे हैं बट कस्टमर नहीं है, डिमांड नहीं हो रही है। तो इन दोनों हानियों से बचने के लिए अर्थव्यवस्था में संतुलन वहीं पर स्थापित होता है जहाँ पे AS इज इक्वल टू AD होता है। तो कह रहा है इन दोनों लॉस को सहन नहीं करना पड़ता। किन दोनों लॉस को? इन दोनों लॉस को, ना तो अवांछित पूर्ति का भार और ना ही बिना पूरी की गई मांग, इन दोनों लॉस को सहन नहीं करना पड़ता जब AS इज इक्वल टू AD होता है। जब AS इज इक्वल टू AD होता है तो क्या होता है, तब उत्पादकों का जो वास्तविक स्टॉक होता है, एक्चुअल स्टॉक जो होता है, वो उत्पादकों के इच्छित स्टॉक के बराबर होता है। इस वजह से अर्थव्यवस्था में संतुलन वहीं पर स्थापित होगा जहाँ पे समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होगी, ताकि इन दोनों हानियों से उत्पादक बच सके। मे बी आपको जो है क्लियर हो गया होगा कि अर्थव्यवस्था के अंदर संतुलन क्यों स्थापित होता है, वहीं पे जहाँ पे समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका नेक्स्ट, और मैंने आपको बताया था दूसरा और तीसरा, ये मैं आपको एक ही साथ कराऊंगा। देखिए जैसे ये दूसरा और तीसरा ये दोनों के ही आंसर हैं, ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन था और तीसरा क्वेश्चन, प्रत्याशित बचत और प्रत्याशित निवेश, यथार्थ बचत और यथार्थ निवेश। सबसे पहले जो है हम बात करते हैं प्रत्याशित बचत और यथार्थ बचत के बारे में। देखो प्रत्याशित बचत क्या होती है, क्या लिखा है, कह रहा है इससे अभिप्राय एक वर्ष की अवधि के दौरान, मतलब एक अकाउंटिंग ईयर में या फाइनेंशियल ईयर में कह सकते हो, एक वर्ष के अंदर अंदर प्रत्याशित बचत को इच्छित बचत भी कहते हैं, इच्छित बचत या नियोजित बचत। इच्छित बचत मतलब इच्छा से जो करना चाहते हैं, इच्छित मतलब इच्छा। एक इसका अभिप्राय एक वर्ष की अवधि के दौरान इच्छित बचत से है, ये वह बचत है जो एक वर्ष की अवधि के दौरान लोग अर्थव्यवस्था में करना चाहते हैं, जो एक वर्ष की अवधि के दौरान जो लोग बचत करने की इच्छा रखते हैं कि भाई हम इतनी बचत तो करेंगे ही करेंगे, इच्छा रखते हैं, करी नहीं है अभी, वो इतनी सोच रहे हैं इच्छा करने की, उसको कहते हैं प्रत्याशित बचत। जबकि यथार्थ बचत क्या होता है, कह रहा है इसका अभिप्राय एक वर्ष की अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था में वास्तविक बचत से है, एक्चुअल में जो उन्होंने करी। राष्ट्रीय आय के संदर्भ में इसको ध्यान में रखा जाता है। देखो अब मतलब क्या हुआ, प्रत्याशित बचत क्या है, प्रत्याशित बचत वो बचत है जो लोग एक वर्ष की अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था में करना चाहते हैं, जितना करने की इच्छा रखते हैं, उसको प्रत्याशित बचत कहते हैं। जबकि यथार्थ बचत क्या है, यथार्थ बचत वो बचत है जितनी लोगों ने एक्चुअल में करी, वास्तविक में जो बचत करी उसको यथार्थ बचत कहते हैं। जब राष्ट्रीय आय की हम गणना करते हैं, जब राष्ट्रीय आय का मांकलन करते हैं, तो प्रत्याशित बचत को जो है वो बेसिकली ध्यान में नहीं रखा जाता है। हम जो बेसिकली ध्यान रखते हैं वो यथार्थ बचत का करते हैं, एक्चुअल में जितनी हुई। सेम एज इट इज़ सेम ही कॉन्सेप्ट है प्रत्याशित निवेश और यथार्थ निवेश का। देखिए क्या लिखा हुआ है, निवेश इन्वेस्टमेंट। तो प्रत्याशित निवेश में ये क्या कह रहा है, देखो कह रहा है प्रत्याशित निवेश क्या है, इसका अभिप्राय एक वर्ष की अवधि के दौरान इच्छित निवेश या नियोजित निवेश से है, ये वह निवेश है जो एक वर्ष की अवधि के दौरान लोग अर्थव्यवस्था में करना चाहते हैं। मतलब जितनी इन्वेस्टमेंट लोग एक वर्ष की अवधि के दौरान जितनी करने की इच्छा रखते हैं, जो वो करना चाहते हैं, उसको तो कहते हैं प्रत्याशित निवेश। और यथार्थ निवेश क्या होगा, यथार्थ निवेश है कह रहा है इससे अभिप्राय एक वर्ष की अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था में वास्तविक निवेश से है। मतलब जितना वो करने की सोच रहे थे और एक्चुअल में जितना उन्होंने करा वो यथार्थ निवेश है। सेम एज इट इज़ बचत की तरह कह रहा है राष्ट्रीय आय के संदर्भ में इसको ध्यान में रखा जाता है। तो जब हम नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय का जब हम आकलन करते हैं तो हम प्रत्याशित निवेश को इतना ध्यान में नहीं रखते हैं, प्रत्याशित निवेश को इंक्लूड नहीं करते हैं, हम यथार्थ निवेश को इंक्लूड करते हैं।
ठीक है ना। तो ये दूसरा और तीसरा दोनों के आंसर थे प्रत्याशित बचत और यथार्थ बचत। प्रत्याशित मतलब क्या होता है, प्रत्याशित भले ही बचत हो, प्रत्याशित भले ही निवेश हो, दोनों में आपको क्या ध्यान रखना है, दोनों का जो लिंक है वो किससे है, दोनों का लिंक है इच्छित से। प्रत्याशित बचत क्या है, प्रत्याशित बचत वो बचत है जो लोग करने की इच्छा रख रहे हैं, एक्चुअल में करी नहीं है ऐसी। प्रत्याशित निवेश है, प्रत्याशित निवेश क्या है, जो लोग एक वर्ष की अवधि के दौरान निवेश करने की जो इच्छा रख रहे हैं वो प्रत्याशित है। जबकि यथार्थ क्या है, यथार्थ मतलब होता है एक्चुअल रियलिटी, एक्चुअल में उन्होंने कितना करा। सेम जैसे यथार्थ बचत जितनी वो करने की सोच रहे थे एक्चुअल में जो है उन्होंने कितनी करी वो यथार्थ है। सेम ऐसे ही जितनी वो करने का निवेश सोच रहे थे एक्चुअल में उन्होंने कितना निवेश करा उसको यथार्थ कहते हैं। और जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो प्रत्याशित को इंक्लूड नहीं करते हैं, यथार्थ को इंक्लूड करते हैं, भले ही वो बचत हो भले ही वो निवेश हो। तो मे बी ये तीनों क्वेश्चन आपको जो है समझ आ गए होंगे कि भाई अर्थव्यवस्था में संतुलन वहीं पर क्यों होता है जहाँ पे समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होती है। प्रत्याशित बचत का अर्थ, यथार्थ बचत का अर्थ, प्रत्याशित निवेश का अर्थ और यथार्थ निवेश का अर्थ। अब फोर्थ क्वेश्चन जो था आपका वो ये था कि जब AD ग्रेटर देन AS होता है, ये दोनों कंडीशन, जब AD ग्रेटर देन AS होता है या AD लेस देन AS होता है तो अर्थव्यवस्था में संतुलन दोबारा कैसे स्थापित होगा, समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर कैसे आएगी, और रेखा चित्र का प्रयोग करके बताना है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इस चैप्टर में से जो आया वो यही क्वेश्चन आएगा। तो देखिए इसको ध्यान से अच्छे से समझिएगा, मैं इसे जितना हो सकेगा मैं आपको अच्छे से अच्छा समझाऊंगा। अगर आपको मे भी समझना है तो आप मुझसे फ्रीली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मैंने आपका व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है आप उस पर भी मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें ना एक्चुअली बच्चों को डाउट बहुत रहता है, समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए तो पहला है फोर्थ में फर्स्ट कह रहा है समग्र पूर्ति ज़्यादा है समग्र मांग से। तो देखो अभी जो हमने पीछे पढ़ा था कि भाई जब समग्र पूर्ति ज़्यादा होती है समग्र मांग से तो क्या होता है, पूर्ति ज़्यादा है मांग से, मतलब प्रोड्यूसर ने क्या कर रखा है, प्रोड्यूसर ने प्रोडक्ट बना रखे हैं बट डिमांड नहीं हो रही है, और प्रोड्यूसर ने प्रोडक्ट बना रखे हैं पर बिक नहीं रहा है, वो उसके पास यूँ ही रखे हुए हैं, स्टॉक जमा हो रहा है उसके पास। तो अब ऐसी कंडीशन में वो क्या करेगा, आप खुद ही सोचो, अगर आप ही होते, आप अगर एक प्रोड्यूसर हो, अगर आपने प्रोडक्ट बना रखे हैं आपका प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है तो अब आप अगली बार ज़्यादा उत्पादन करोगे या कम उत्पादन करोगे। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की, कि हम कम उत्पादन करेंगे, क्यों, क्योंकि पहले जो जो पड़ा हुआ है वो बिकेगा तभी तो हम जो है नेक्स्ट टाइम ज़्यादा उत्पादन करेंगे। तो इस पे संतुलन स्थापित करने के लिए AD इज इक्वल टू AS करने के लिए क्या करना पड़ता है, देखो क्या लिखा हुआ है, जब समग्र पूर्ति समग्र मांग से अधिक होती है, ये लिखना है इसमें आपको जितना मैंने लिखा है ये सारा, ठीक है ना, जो जो मैं आंसर बता रहा हूँ आपको तो वो आपको यही लिखना है। तो कह रहा है तब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह में उनकी मांग से अधिक होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, मतलब मांग नहीं है उतनी जितनी की पूर्ति है, पूर्ति ज़्यादा है मांग कम है। अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में उनकी पूर्ति जो है मांग से अधिक है, ठीक है ना। तो परिणाम स्वरूप क्या होगा, कह रहा है कुछ वस्तुएँ बिना बिके रह जाती हैं, इस अब कुछ क्योंकि मांग नहीं है तो वस्तुएं बिना बिके रह जाएंगी और उत्पादक के पास क्या होगा, अवांछित स्टॉक जमा हो जाएगा, और इस अवांछित स्टॉक को समाप्त करने के लिए उत्पादक क्या करेगा, उत्पादन में कटौती करेगा, नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, कम प्रोडक्शन करेगा। क्यों करेगा कम प्रोडक्शन, क्योंकि भाई पहले ही जो माल पड़ा हुआ है पहले तो वो बिकेगा ना, जब तक वो नहीं बिकेगा हम नेक्स्ट टाइम और प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं। तो वो क्या करेगा, उत्पादन में कटौती करेगा, उत्पादन में कटौती करेगा, इससे क्या होगा, इसके फलस्वरूप समग्र पूर्ति में गिरावट आएगी, समग्र पूर्ति आपकी कम हो जाएगी क्योंकि सप्लाई नहीं होगी, अब वो कम प्रोडक्शन करेगा और वो समग्र मांग के बराबर हो जाएगी। समग्र मांग ज़्यादा थी ना, ओ सॉरी समग्र पूर्ति ज़्यादा थी तो इसको कम करना है, इसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको उत्पादन कम करना पड़ेगा, उत्पादन कम करेगा तो समग्र पूर्ति कम होगी, और इतनी कम होगी कि कितनी कम हो जाएगी कि ये वापसी बैलेंस में आ जाए, AS इज इक्वल टू AD हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद जो है अब देखिए दूसरी कंडीशन में क्या होगा, दूसरी कंडीशन में है AS लेस देन AD, इसमें क्या हो रहा है, समग्र मांग ज़्यादा है समग्र पूर्ति कम है, तो इसमें क्या होगा, मांग ज़्यादा है पूर्ति नहीं है, मतलब प्रोड्यूसर के पास क्या है, अब प्रोडक्ट नहीं है, उपभोक्ता आ रहा है और वो सबको क्या कर रहा है, मना कर रहा है, तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है, बिना पूरी की गई मांग की हानि उठा रहा है,
तो इस कंडीशन में क्या होगा, कह रहा है जब समग्र पूर्ति समग्र मांग से कम होती है, समग्र पूर्ति क्या है, समग्र मांग से कम है, तो ये तब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं सेवाओं के प्रभाव में उसकी मांग से कम होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, तब सप्लाई नहीं है पर मांग ज़्यादा है, तो उत्पादकों के पास जितना प्रोडक्ट जितना उसने स्टॉक बनाया था वो सब बिक जाएगा, और अब उत्पादक बिना पूरी की गई मांग की हानि उठाएंगे क्योंकि उसके पास प्रोडक्ट नहीं है, जितना बनाया था वो सब बिक चुका है, तो स्टॉक को दोबारा से इकट्ठा करने के लिए उत्पादक क्या करेगा, अब अधिक उत्पादन की योजना बनाएंगे, और अधिक उत्पादन से क्या होगा, समग्र पूर्ति बढ़ जाएगी और इतनी बढ़ जाएगी कि वो समग्र मांग के बराबर हो जाए, ठीक है ना। और इसमें आप ये पूरा ग्राफ बना सकते हो, आई का बना सकते हो, इनकम का बना सकते हो, सी प्लस आई बनाना है आपको और सी बनाना है, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पॉइंट पर, यहाँ पे जो है ये हो जाएगा संतुलन। तो ये ग्राफ इसमें आपको बनाना है AT इज इक्वल टू AS वाले में, ठीक है ना। तो मे बी आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, चार ही क्वेश्चन आप इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। अगर इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो आप फ्रीली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैंने नंबर आपको दे दिया है। तो अभी के लिए फिलहाल फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू सो मच आपने मेरी वीडियो को वॉच किया, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।